हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने रियल लाइफ के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने आखिर अपना यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया। और बिहार पटना से हूँ मैं और मेरे हस्बैंड वेटनरियन हैं। और मैंने आपको बहुत सारे अपने वीडियोस में दिखाया भी होगा अपने पेट शॉप को। तो मैं हूँ एक हाउसवाइफ और मैं हमेशा घर में अपने बच्चे और अपने हस्बैंड और सारे घर को मैं खुद अकेले संभालती हूँ। और हम लोगों की एक छोटी सी फैमिली है, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। मेरी बेटी 10 ईयर्स की है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। वो सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं तो रात को 10-10:30 बजे ही घर में इंटर करते हैं, जिसकी वजह से मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ। बच्चे की पढ़ाई, फिर घर की सारी चीज़ें, फिर राशन वगैरह, फिर बच्चे के स्कूल जाना, उसके क्या ज़रूरत की चीज़ें ये सब लाना, मतलब हर चीज़ मैं खुद संभालती हूँ। और मेरे ऊपर मेरे घर की सारी जिम्मेदारी है। और ख़ास करके मेरी जो जिम्मेदारी है वो मेरी बेटी। तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं बाहर जाऊँ, कुछ सीखूँ, पार्लर का काम सीखूँ, कोई जॉब करूँ, बट मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी को संभालना पड़ता है। और मेरे घर में कोई भी नहीं है, ना उसके दादा हैं, ना दादी है। दादी तो खैर है ही नहीं। मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं इधर उधर जा नहीं सकती हूँ, जिसके कारण मैं कोई जॉब नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना सारी मॉम्स की तरह, मैं अक्सर हमेशा वीडियोस में देखती हूँ, जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ कि सारी मॉम्स अपने अपने वीडियोस डालकर सबको अपना लाइफस्टाइल दिखा रही हैं। वो लोग यूट्यूब पे वीडियोस डाल के कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यही करूँ। मैंने सोचा कि चलो मैं भी यूट्यूब पे अपना वीडियोस बनाती हूँ और अपना एक चैनल बनाती हूँ। और 3 महीना हो चुका है मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालते हुए। और मेरे वीडियोस में रियल लाइफ, DIY, कुकिंग, फिर सिंग, हेल्थ, वुमेंस हेल्थ से रिलेटेड मैं सब कुछ बताती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं क्या कि तुम एक हाउसवाइफ हो, घर को संभालो और अपनी बेटी को संभालो, इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकती हो, बाहर की जिम्मेदारियाँ मुझ पे छोड़ दो। लेकिन मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ होकर भी, घर को संभालते हुए भी और अपनी डॉटर को संभालते हुए भी मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ। बस यही मकसद के कारण मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया सारी मॉम्स के तरह। और मैं अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती थी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, वो भी घर के जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी। तो गाइस, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाने में आप लोग मेरी हेल्प करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं ज़रूर आगे जाऊंगी और मैं अपने हस्बैंड को दिखा सकती हूं कि मैं घर को संभालते हुए, अपनी बेटी को संभालते हुए भी आगे बढ़ सकती हूं, कुछ कर सकती हूं। तो इसी मकसद के कारण मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो गाइस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। सो गाइस, बाय।